राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे के महिला कल्याण संगठन द्वारा शनिवार को शहर के नर्मदा क्लब में मजदूर दिवस सप्ताह के तहत मंडल में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर महिला कल्याण संगठन ने सुरक्षा से जुड़े 10 ट्रैक मेंटनर, 5 TRD हेल्पर, 2 SNT हेल्पर सहित कुल 17 कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें उपहार और श्रीफल देकर सम्मानित किया। पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन भोपाल मंडल की अध्यक्षा वंशी बंदोपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2 साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से रेलवे में कार्य करने वाले कर्मचारियों में नई ऊर्जा का विस्तार होता है। आज तो वैसे 17 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनके मतलब सारे हमारे वो रहते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए और जिनका वर्क सर्विस वगैरह देख के 25 साल की कार्यकाल के उसमें उनको ही हम सम्मानित कर सकते हैं। ये शुरू से ही होता आ रहा है, बट धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे वैसे तो काफ़ी लोग हैं रेलवे में, इतने ही कम काम नहीं करते हैं धूप में, जैसे कि मैडम ने बोला कि इतना कड़कती धूप में सब काम करते हैं और तो काफ़ी लोग काम करते हैं वर्कर्स। हाँ, उन्हें और प्रॉपर फीडबैक मिलता है काम करने का और प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं उससे उनको। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।